is a covalent bond a covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between the atoms yani atoms jab apne valence shell mein maujood electrons ko share karte hain to iske result mein jo chemical bond formation hoti hai use covalent bond kaha jata hai sharing of electrons की सबसे simplest example hydrogen molecule है. हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और अपने वैलेंस शेल यानी के डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इसे वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है यही वजह है कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है और इसके रिजल्ट में स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेसिस पर हमारे पास कोविलेंट बॉन्ड को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है सिंगल कोविलेंट बॉन्ड डबल कोविलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड सिंगल कोविलेंट बॉन्ड कोविलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोट बॉन्ड यानी ऐसा कोविलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स के दरमियान वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही हो ऐसे बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कहा जाता है ऑफ अ सिंगल बॉन्ड वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल कोविलेंट बॉन्ड इज अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जिसके वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और इस वन इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल होता है हाइड्रोजन एटम चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल कंफिग्रेशन को अचीव कर ले वो स्टेबल हो जाए। अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इसके रिजल्ट में स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है इस टाइप ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में और हम जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग रिप्रेजेंट करती है सिंगल कोविलेंट बॉन्ड को साथ ही आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल बॉन्ड को और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास स्टेबल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है क्या आप बता सकते हैं कि मीथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें कौन सी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन एटम जिसकी फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स और इसकी आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं कार्बन एटम को अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए फर्दर फोर मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि इसका ऑक्टेड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाए ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जिसका वैलेंस शेल उसका फोर्स शेल होता है और उसमें वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को वन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है सो फोर हाइड्रोजन एटम वन कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की वो वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा वन इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्रेजेंट करता है टू इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सिंगल कोविलियन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है

डबल बॉन्ड जहां पर टू इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही होती है और जो हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन एटम जिसके वैलेंस सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ऑक्सीजन एटम अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि वैलेंस सेल जिसे आउटर मोस्ट सेल भी कहा जाता है उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हर ऑक्सीजन एटम को टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं यही वजह है कि जैसे ही ये दो ऑक्सीजन एटम्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करेंगे यानी टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस टाइप ऑफ शेयरिंग में इन्वॉल्व होंगे सो इस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी टू ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान और इसके रिजल्ट में स्टेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन एटम्स शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो इसके रिजल्ट में दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं थर्ड टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड यानी जब एटम्स अपनी थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं तो इसके रिजल्ट में ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिपल कोविलेंट बॉन्ड हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हैं वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन जिसके वैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एटम तभी स्टेबल होता है जब उसका ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जैसे ही नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करता है सो so इस शेयरिंग के रिजल्ट में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिसे थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है सो so इस शेयरिंग के रिजल्ट में दोनों नाइट्रोजन एटम के वैलेंस जेल एट इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में स्टेबल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होती है। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे